नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है समर स्पेशल को लेकर। रेलवे का बड़ा तोहफा है मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि यह गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलती है, कितने बजे चलेगी, कितने बजे पहुँचेगी। साथ में इसके कुछ की बात करेंगे, रूट और किराया की भी हम बात करेंगे। यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, मुजफ्फरपुर दिल्ली गरीब रथ समर स्पेशल एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 04043 है। यह गाड़ी मुजफ्फरपुर जंक्शन से पुरानी दिल्ली के बीच में रविवार और बुधवार के दिन 5 मई से चल रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से पुरानी दिल्ली के बीच की दूरी 1088 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 24 घंटा 40 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी मुजफ्फरपुर जंक्शन से चलकर हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा, दानापुर, आरा जंक्शन, बक्सर जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, माँ बेलवा देवी, अमेठी, रायबरेली जंक्शन, लखनऊ चारबाग, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए पुरानी दिल्ली को जाती है। यह गाड़ी मुजफ्फरपुर जंक्शन से रात 10:30 पर चलती है और 24 घंटा 40 मिनट का यात्रा तय करते हुए पुरानी दिल्ली को दूसरे रात 11:10 पर पहुंचती है। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें सिर्फ थर्ड एसी की कोच लगाए गए हैं। इस गाड़ी के टिकट किराए की बात करें जो कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से पुरानी दिल्ली के बीच तक का है, थर्ड एसी 1245 रुपया। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर दिल्ली गरीब रथ समर स्पेशल एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।